चलिए, अभी दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी पार्टी नगर सेवक बनाने में कामयाब होती है तो टोरेंट पावर के लिए आप क्या काम करेंगे? जैसे कि बहुत सारी अननेसेसरी बिल लोगों को जा रही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं करते मगर उनको बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी सर? देखिए, भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका में बैठा हुआ महापौर भी टोरेंट के लिए कुछ नहीं कर सकता, राज्य सरकार का डिसीजन है। माननीय आमदार रईस शेख महेश चौगले को इस पे बात करना चाहिए। सुनिए, टोरेक एक प्राइवेट कंपनी है, उसकी अच्छी बातें भी है, ख़राब बातें भी है। सही, अच्छी बातें ये है कि शहर में पावर सेक्टर पे जो भी निज़ाम था उन्होंने बहुत अच्छा किया, इतना अच्छा हो ही नहीं सकता था, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सही। लेकिन जो खराबियाँ हैं उसको दूर करने के लिए जो काम करना चाहिए वो किन्होंने करना चाहिए? जो राज्य सरकार में बैठे हुए लोग हैं, रईस शेख बोलते हैं मैं सरकार में हूँ, टोरेंट के खिलाफ बोलना है तो बोल नहीं पाते। आपने कोविड के टाइम की 10% पावर बिल माफ़ करने की घोषणा की थी कि नहीं की थी? रईस शेख ने माफ़ हो पाई कि आज तक? तो मेरा ऐसा कहना है जिनकी जो जिम्मेदारी है उन्होंने उठाना चाहिए, वो नहीं उठाएंगे ना अगली बार पब्लिक पटक देगी उनको। बात सही है, तो उस पर भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका का महापौर या कॉरपोरेटर का क्या लेना देना है? एक बात बता रहा हूँ मैं, सही, मैं मेरी बात नहीं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ, जिनका रोल है आमदार जो आज सरकार में है या अगर अपोजिशन में भी है तो उन्होंने बात करना चाहिए अगर गलत कुछ हो रहा है तो। बिल्कुल, अगर गलत हो रहा है, किसी भी एक नागरिक के साथ गलत हुआ तो भाई शिकायत के लिए मेरा नजरिया ये है कि जो भी शिकायत के लिए मामला जो भी है, टोरेंट की मजीद पावर बिल बढ़ने की, विजिलेंस केस की जो भी मामला हैं, उसके लिए जाना पड़ता है भांडू। ज्यादा परेशानी भिवंडी वालों को है, बराबर, तो भिवंडी में क्यों नहीं उसका रीजनल ऑफिस होना चाहिए? होना चाहिए। इसकी बात कभी करते सुना आपने? आप क्यों नहीं करते? हमने लेटर दिया है, कॉपी है हमारे पास, हमने राज्य सरकार को, ऊर्जा मंत्री को लेटर लिखा है इस बारे में। हाँ, इस बारे में आप क्या रिप्लाई है सर? कुछ तो सुनिए ना, वही तो बात है ना, मेरा ऐसा कहना है कि लेटर लिख देने से, बात कर देने से हर काम तो होता नहीं, होता नहीं। मेरा ऐसा कहना है जिसकी जवाबदारी है, जो चुन कर आया, ऐसा तो नहीं शहर में आमदार नहीं है, ऐसा नहीं कि सरकार में कोई नहीं है, है ना, तो क्यों नहीं कर रहे भाई? अभी आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगे ना आमदार रईस शेख साहब जी, एक शिकायत केंद्र भिवंडी में क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों एक और नोडल ऑफिसर उनका होना नहीं चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, उसका भी एक ऑफिसर होना है, MSEDCL का तो है। लेकिन ये जो मामला था जिसके लिए भांडुप में जाना पड़ता है, आप फर्स्ट अपील अधिकारी जो है भिवंडी में एक शाखा खुलवाइए, ज्यादा मामला तो यहीं के है, सबसे ज्यादा यहीं पर। फिर बराबर अगर नगर सेवक की बात करूँ फिर से, तो मैं नगर सेवक जो अभी मौजूदा है, कई सारे नगर सेवक बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे हैं कि नगर सेवक तो छोड़ दो, वो क्या करते हैं, मोहल्ले के कुछ अनएम्प्लॉयड बच्चों को अपने साथ में रखते हैं, उनके ज़रिए जगह जगह पर कैंप लगाना या कुछ और काम करना, या उनको अपना खबरी बनाना, या तो उनको कुछ उनका मैटर हो गया तो उनको जेल से छुड़वाना, यही काम देखा गया है। तो क्या आपके नगर सेवक आएंगे तब भी वो यही करेंगे या उनका कुछ अलग प्लान है फिर उसके लिए? देखिए, मैंने आपको क्या बोला है कि हमारा जो नगर सेवक होना चाहिए, हाँ, वो 5 साल जनता के बीच में होना चाहिए, जनता के बीच में तो ऐसा ही आदमी नगर सेवक होना चाहिए। क्या हो रहा है कि देखिए, जो चुनकर भी आया ना, कांग्रेस NCP के जितने नगर सेवक है, ये 4.5 साल कहाँ थे? अभी रोड बना रहे। बिल्कुल, कहाँ थे? अभी चैम्बर भी लग जा रहा है, चैम्बर भी लग जा रहा है। 4 साल तक वो बोलते थे मैं इस वार्ड का कॉर्पोरेटर नहीं हूँ, फलाना है, बराबर। 4 साल तक ये बोलते थे कि निधि नहीं है, कॉर्पोरेशन में पैसे नहीं है, यही नगर। तो आखिरी 6 महीने में जो कॉर्पोरेटर बन जाते हैं, तो ऐसे लोग को तो नहीं चुनकर देना चाहिए, बराबर। ऐसे लोग को हम चाहते भी नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शहर में बहुत से ऐसे नगर सेवक है जिन्होंने काम किया है, ऐसे भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे विचार से उनकी विचार मिलती है, बराबर। ऐसे लोग को साथ लेंगे इंशाल्लाह। सर, सवाल जो था मेरा वो ये था बच्चों को लेकर, खास तौर पे कि जो ये अनएम्प्लॉयड बच्चों को साथ में लेकर घूमते हैं और ये सोचते हैं कि हम उनको दिन का 100-200 रुपया दे देंगे, तो ऐसे लोगों के भविष्य के बारे में जो नगर सेवक नहीं सोचते, वो मेरा सवाल है। देखो, मेरा तो उन बच्चों से सवाल है कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में लगभग 5,600 सफाई कर्मचारी है, 5,600 सफाई कर्मचारी है पूरी भिवंडी की। हाँ, पूरी भिवंडी, मेरी पूरी बात पूरी सुन लीजिए आप, और लगभग 1,500 से 2,000 हमारे दूसरे ऑफिसर्स हैं, अलग 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 अलग, उसमें कोई कमिश्नर है, कोई अतिरिक्त आयुक्त है, कोई मुकादम है, ऐसे इंजीनियर लॉ में लेके, लेकिन अधिकतर जितने भी हमारे कामगार हैं कोई भी भिवंडी का नहीं है। तो उन बच्चों के लिए शर्म की बात है जिनके पीछे भाग रहे हैं, उन्होंने उनको नौकरी पे नहीं लगाया महानगर पालिका में, बराबर। महानगर पालिका में जो लोग काम करे, जरूरी थोड़ी है कि हर कोई ग्रेजुएट है, सही बात। तो
एम्प्लॉयमेंट जो महानगर पालिका के माध्यम से प्रोवाइड किया जाना चाहिए शहर के नागरिकों को, ये भी हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे शहर का बच्चा हर जॉब पे नहीं, शहर का बच्चे को मिलना चाहिए। हमारे शहर के बच्चे इंजीनियर या दूसरी पढ़ाई नहीं किए हुए हैं क्या? बिल्कुल किए हुए हैं। हमारे हमारा महानगर पालिका में पहला ठहरा होगा कि हर जॉब बीएनडी के बच्चे को देना पड़ेगा। शादाब भाई, अगर धरना प्रदर्शन की बात करूं तो देखा ही जाता है कि दूसरी जो पार्टियां हैं और शहर में, उनके धड़ाधड़ धरना प्रदर्शन कई कई मामलों पर ऐसा होता है कि कंटिन्यू होते हैं, रोड को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, खराब रास्ते हैं, नाली है, गटर है, हर चीज़ पर कभी कभी देखा ऐसा जाता है, लेकिन MIM पार्टी नज़र नहीं आती, क्यों आखिर? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि आपके चैनल ने कवर नहीं किया, हमने माजी में प्रोटेस्ट किया है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पे भी किया है और देश की असंवैधानिक जो भी कार्य है उस पर हमने प्रोटेस्ट किया है। भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका में जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं जी। मेरा उनसे ये सवाल है कि महानगर पालिका में आपके कॉरपोरेटर हैं, बराबर आप सत्ता में भागीदार हैं, बराबर और आप जो है प्रोटेस्ट के माध्यम से जनता गुमराह क्यों करते हो? आप ये घोषणा कर लेते हो 100 ml पानी आया, बराबर आप ये घोषणा कर देते हो 1000 ml पानी आया, आप ये घोषणा कर देते हो 1000 crore रोड के लिए आया, सफाई के लिए आया, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। और आप धरना प्रदर्शन के माध्यम से वो जनता को बेवकूफ़ कर बनाते हो कि हम कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि ईद जैसे मुबारक मौके पर रमज़ान के 30 रोजे रखने के बाद वो इबादत करने वाले लोग जो सेलिब्रेशन मनाने आ रहे थे, ईद के लिए नहाने के लिए पानी नहीं था उनके पास, बिल्कुल सही है। तो और प्रोटेस्ट कर रहे थे वही नगर सेवक जो महानगर पालिका में है, महानगर पालिका में है। मैं आपको कांग्रेस का एक वार्ड का बताता हूँ, वार्ड नंबर 5 पानी दो बोर्ड जाके लगा दिया गया महानगर पालिका में, एक कॉर्पोरेटर स्प्रे कर दिया पानी दो, क्या पूरे वार्ड में पानी है वार्ड नंबर 5 में? बिल्कुल। आपने महानगर पालिका में महापौर का बनाने का फल खाया, महापौर के साथ में रहे 5 साल में, 2.5 साल तो आपका महापौर था, तो आपने महानगर 5 साल में ये काम क्यों नहीं किया कि हर घर में पानी मिल जाए? तो मेरा ऐसा कहना है कि ये ढोंगी जो धरना प्रदर्शन करते हैं, इनके धरना प्रदर्शन का क्या महत्व? और धरना प्रदर्शन करके जनता के सामने आकर्षित हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जनता से मेरा ये सवाल है कि वो आदमी जो आपको वो सारी सुविधाओं से वंचित रखा, जो जिम्मेदार था, वही धरना अगर दे रहा है तो उसको उठा फेंकने का वक्त है। आप बताइए, महानगर पालिका के माध्यम से जो भी सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए हर वार्ड, आप देखो गरीब इलाके में आप डंपिंग ग्राउंड बना दिए, बराबर धुआं निकल रहा है, जल रहा है, गरीब आदमी बीमार पड़ रहा है, बदबू, बिल्कुल सही। हाँ, तो वो गरीब इलाके का जो नेता है वो बंगले में रहता है, साहब का बंगला है, साहब दूसरे वार्ड में रहते हैं, तो ये जो चीजें हैं कौन खत्म करेगा? ये जनता ही खत्म कर सकती है, जनता कर सकती है, उनमें इंकलाब बरपा करने की कोशिश हमारी है। ठीक है साहब भाई, एक सवाल ये कि देखा जाए 2013 या 2014 से आपकी पार्टी भिवंडी के अंदर है, आपकी पार्टी ने क्या किया अब तक भिवंडी के लिए? देखिए, 2014 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी में तंजीमी लिहाज से काम कर रही है, सामाजिक लिहाज से जो हमारी जिम्मेदारी है उस पर हमने हमेशा बात की है, हर मौजू पर। जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं उसकी बात कर सकता हूँ, हमने IGM से लेके टोरेंट से लेके भिवंडी शहर के हर मसाइल पर बात रखी है, सरकार के सामने वो बात रखी है। ज़रूरी नहीं है, मतलब ये बात तो सही है कि हमारा कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है, बराबर, तो जाहिर सी बात है वो काम करने के हम पाबंद है, लेकिन आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन आवाज़ उठाकर हम ये माहौल बरपा करते हैं कि रईस शेख की मजबूरी हो जाए, महेश चौगले की मजबूरी हो जाए, शोएब गुड्डू की मजबूरी हो जाए, रशीद तैर मोमिन की मजबूरी हो जाए, तो हम वो माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि जनता को इंसाफ मिले। तो हुआ सर, हर मौजू पे हम बात कर रहे हैं, हर मौजू पे हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल का मसला हो, चाहे वो IGM हॉस्पिटल का मसला हो। IGM हॉस्पिटल का आप देखिए कि शोएब गुड्डू 10 दिन में आ रहे हैं राजेश टोपे, रशीद तैर बोलते हैं बात हो गई परसों आ रहे हैं, रईस शेख ट्वीट कर देते हैं बस आने वाले हैं। आप बताइए कि IGM हॉस्पिटल की टेरिस को रिपेयर करने के लिए 1 crore रईस शेख लेके आए, भाई इलाज ही नहीं तो टेरिस रिपेयर क्या करके जा रहा हूँ? वो IGM रिफर सेंटर है, केवल वहाँ पेशेंट को डायग्नोसिस करके बताया जाता है, भाई साहब आप यहाँ कहाँ आ गए, आपको तो कलवा जाना था, बराबर आप साइन जाइए, आप कांबा जाइए। की बात है कि कलवा वाले भी अब यहाँ के पेशेंट को लेते नहीं है सर, नहीं वो वहाँ से सीधा बोलते कि नहीं, वो दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारे नेता इतने नालायक हैं कि केवल घोषणाबाजी के लिए, केवल रिबिन काटने के लिए, केवल वो तख्ती लगाने के लिए होड़ लगे रहती, क्रेडिट लेने के लिए होड़ लगे रहती, लेकिन जवाबदारी लेने की बात होती है ना, जब IGM में किसी की मौत हो जाती है जिम्मेदारी लेना है, जैसे ड्रेनेज लाइन के लिए चौहान कॉलोनी के पास एक बच्चा गिर के मर गया, जिम्मेदारी लेने कोई
वो कंपनी पे एफआईआर होना चाहिए था, वो कंपनी पे नेग्लिजेंस का केस होना चाहिए था, वो कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए था। तो पैसे खुद भी खा लिए, उस परिवार को पैसे दिला दिए। क्या पैसा दिलाना ही सोल्यूशन था? जी बिल्कुल नहीं। आगे फिर हादसा हुए तो वो इलीगल कंपनी आज भी इलीगल काम कर रही है। गैपी नगर रोड पे आप जाइए भाई, 30-30, 40-40 फुट आप खड्डे खोदे हो, साइड वेरिफिकेशन है क्या, जाके देखिए। बिल्कुल नहीं है सर। अगर एक गाड़ी वाला स्पीड में जाते हुए कोई बच्चा गलती से उस साइड वेरिफिकेशन को ठोका तो सीधा 40 फुट नीचे जाएगा। इसीलिए तो रोड को बंद कर दिया गया ना सर। नहीं, कौन सा बंद है भाई? बंद है वो, तो धस गया तो बंद हुआ। धस गया तो बंद हुआ, बंद नहीं किया गया सर। धस गया तो आरटीओ ऑफिसर आए जो एनओसी दिए थे, नहीं तो भाई साहब आते नहीं थे। धस गया तो नगर सेवक रोड पे आए जो कि आते नहीं थे सफाई देने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए। ए भाई हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई 1.5 साल से एक प्रकल्प चल रहा है, 2 साल होने जा रहा है, वो रोड खोद ही रहे हो तुम। अरे कब क्या सोना होना निकालने वाले हो गया? नहीं, सुनने में तो आया था कि नवंबर में बन जाएगा, फिर सुनने में आया था कि दिसंबर या जनवरी में बन जाएगा, फिर सुनने में आया था कि फरवरी में बन जाएगा। तो खाली सुनने में ही आ रहा है सर। तो वही बात बोलो ना, ये सवाल आपका आमदार रही शेख से होना चाहिए, उस वार्ड के जितने कॉर्पोरेटर उनसे होना चाहिए। नहीं, आप भी तो जिम्मेदार है ना, आप भी तो उसी लेन में रहते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आपके सामने खुला कि इलीगल कंपनी है, खुला बोल रहा हूँ इलीगल कंपनी। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं, बहुत अच्छी कंपनी, एक नंबर काम है, गलती से हो गया। गलती से नहीं हुआ, कोई प्लान नहीं। एक कंपनी जो टेंडर ले रही है 400 करोड़ रुपए का, भाई वो कंपनी ने सॉइल टेस्टिंग ही नहीं किया, जियो टेक्निकल जो है इंस्टीट्यूट का काम का इस्तेमाल ही नहीं किया। कहा जमीन कड़क है, कहा जमीन नरम है, वही नहीं मालूम। 400 करोड़ का टेंडर ले लिया, नाका मजदूर लगाई काम कर रहे हो आप। जेसीबी से खड्डा खोदना कौन सा आड़ काम है भाई? आप खोद रहे हो, आपको नीचे क्या है नहीं मालूम, खोदे यार हो। वो तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है वहां से कोई बाजू में था नहीं जिस दिन वो धसा। एक कबर और खुद जाती थी बराबर। रोड वाइडनिंग को लेकर मेरे मन में जो सवाल अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ सर। कुछ सुनने में ऐसा आया है कि रोड वाइडनिंग जो है अक्सर इसलिए भी नहीं हो पाती है कि शायद लोगों के भी, जो नेता अगर हम बोले तो शायद उनकी भी चीजें वहां पर होती है। क्या ये सही है? होती है ना, सही बात है। मेरी भी कुछ रोड पे प्रॉपर्टी है, मैं भी रोड वाइंडिंग के लिए लड़ा हूँ। मेट्रो के लिए रोड वाइंडिंग का जो प्रस्तावना आई उसके विरोध में मैं भी लड़ा हूँ। मैं जायज हूँ, नाजायज कहाँ से हूँ? मेरा ये सवाल है इंडिविजुअल। हालांकि वो इस व्यापारी यूनियन का प्रेसिडेंट भी मैं ही हूँ, कल्याण रोड व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति जो इस प्रकल्प पे काम कर रही है वो उसका प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। लेकिन मैं एक दुकानदार के ऐसे से बात करूंगा। मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरे वालिद मरहूम का दवाखाना था वहां पर। सही। आज से 50 साल पहले जब उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो प्रॉपर्टी थी 43x11। आज मौजूदा हालात में वो 13 फुट बची है। तो वो जो 30 फुट गया वो मैंने शहर के विकास के लिए दिया ना। बराबर। मेरी तो लीगल प्रॉपर्टी है ना, मैं क्या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बैठा हूँ? जो 30 फुट गया मेरा 40 साल में, तो मैंने तो शहर के विकास के लिए दिया, तो मुझे क्या मिला? मेरा सवाल है, नहीं मिला कुछ। तो ऐसे मेरे सारे दुकानदार भाई है, कुछ नहीं मिला। तो फिर विकास कैसे होगा फिर, अगर ऐसे ही सारे लोग खड़े होंगे तो विकास कैसे होगा? ऐसे विकास होगा, लोगों को बर्बाद करके विकास होगा। ये कौन सा विकास है भाई? विकास तो मेरी नज़र में वो होना चाहिए कि जो वहाँ का स्थानीय नागरिक है वो खुशी खुशी विकास के लिए अपनी जगह दे। एग्जैक्टली। वो खुद भी जीवित रहे वो विकास देखने के लिए, जिंदा रहे कि मैं विकास हो रहा है भाई, वाह क्या रोड है, क्या मस्त मेट्रो जा रही है। वो जिंदा भी तो होना चाहिए ना। अरे 2-4, 10 तो मर जाएंगे उसमें। अगर जाकर 20 फुट की रोड वाइंडिंग का फैसला था कल्याण रोड पर, कोई भी दुकान 10-12 फुट से ज़्यादा नहीं है। नहीं, सही बात। तो वो तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, अल्लाह ने एक फरिश्ते के रूप में जो चेयरमैन को, जो चेयरमैन है MMRDA के, जो इस प्रकल्प को देखते हैं एकनाथ शिंदे साहब, उनके दिमाग में बात बैठी, उन्होंने जनता के इसमें फैसला किया अंडरग्राउंड का। चलिए, तो रोड वाइंडिंग कर, देखिए मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि रोड वाइंडिंग एक वाहिद सॉल्यूशन नहीं है। शहर का डेवलपमेंट प्लान का मतलब रोड वाइंडिंग थोड़ी है। बट स्टार्ट तो वहीं से होता नहीं है, मैं आपको बताऊँ, शहर का रोड वाइंडिंग का हमारी एक मानसिकता बन गई है। डीपी में आता है, देखो मैं डीपी में अगर बना है 60 फुट, तो भाई अब 40-20 साल आगे के फ्यूचर प्लान है, तो जब आपको लगता है कि अब करना चाहिए तो कर देना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, एक ही रोड को बार बार चौड़ा करना का बेवकूफ़ी है ना। आप ये रोड बताइए, किसी ज़माने में 8 फीट का रोड आज 80 फुट का है, 10 फुट 10 पट किसी ज़माने में बैलगाड़ी चलने लायक रोड था भाई, राष्ट्रीय महामार्ग तो वो था ओल्ड आगरा रोड। बराबर। ये तो नॉर्मल एक शहर का, बाद में वो बाईपास बना हमारा हाईवे। सही। तो मेरा ऐसा कहना है कि 80 फुट बन गया ना, शहर की ट्रैफिक के डाइवर्जन के लिए प्लान होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे बाजू में कल्याण शहर। बराबर। कल्याण शहर का स्टेशन के बाहर का जो रोड है वो 60 फीट का है। तोड़ना चाहिए तो तोड़े क्या उन्होंने? नहीं। कौन सा रोड बंद करना चाहिए, कौन सा रोड वन वे बनाना चाहिए, कौन से रोड की ट्रैफिक कहाँ से डाइवर्जन करना चाहिए, ये प्लान होता है डेवलपमेंट प्लान। तो उसका जो प्लान बनता है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे शहर में
चार फ्लाईओवर बना दिए शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियों को बाईपास करने के लिए। हाँ। रिंग रोड बना देते तो वो चीज की जरूरत नहीं थी। कल्याण में रिंग रोड है तो कल्याण शहर में एक भी फ्लाईओवर नहीं है। हमसे तीन पट ज्यादा आबादी, एक सिंगल फ्लाईओवर कल्याण शहर में नहीं है। रिंग रोड बना दिया, बाहर की गाड़ी है, बाहर से आती है, शहर में नहीं आती। शहर में नहीं आती। हम क्या कर रहे हैं, जो आ रहा है वहा भाई, ये आरसीसी रोड भी खराब कर रही, बाहर की गाड़ी आके बराबर कैपेसिटी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। इतनी हैवी हैवी गाड़ी, इतनी हैवी हैवी गाड़ी आके फ्लाईओवर को जर्जर कर दी। और अभी दोनों फ्लाईओवर को जोड़ने का ठहराव ले लिया महानगर पालिका ने, राजीव गांधी फ्लाईओवर और बंजार पटीना का फ्लाईओवर। तो अब वो भी फ्लाईओवर बंद हो जाएगा बड़ी गाड़ियों के लिए। तो बड़ी गाड़ियां फिर जब नीचे से चलेंगी तब क्या होगा, तो ट्रैफिक का निजाम क्या होगा? तो ट्रैफिक के डायवर्जन के लिए ऊपर काम होना चाहिए। जितने भी सर्विसेज रोड है 100 फुट के, 60 फुट के, 80 फुट के, जैसे एग्जांपल देता हूँ, बी क्रीमी का जो दुकान है वो बिल्डिंग यूसुफ बाग बिल्डिंग के बाजू से एक 100 फुट का रोड है जो गायत्री नगर तक तोड़ा जा चुका है। गायत्री नगर से भादवड़ तक बनाना बाकी है, तो बना देना चाहिए भाई। 20 साल पहले का नहीं बना, आप क्या कर रहे हो, जो बन चुका है उसकी बात कर रहे हो। तो ट्रैफिक मेरी नजर में ट्रैफिक डायवर्जन पे काम होना चाहिए। आप ट्रैफिक को डाइवर्ट करोगे तो आपके एग्जांपल है कल्याण स्टेशन के बाहर 60 फीट रोड है भाई, लेकिन ट्रैफिक नहीं लग रही है ना। उन्होंने कौन सा रूट वन वे होना चाहिए, कौन सा डायवर्जन, पूरा प्लान के साथ है, डायवर्जन होना चाहिए बराबर। एक आखिरी सवाल और आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे भिवंडी के नेताओं के लिए, भिवंडी के लोगों के लिए, कि कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे वो सहयोग करें इस चीज में? मेरा ऐसा कहना है आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी शहर की जनता को, खासतौर पर शहर के नौजवानों ने, जो शहर का भविष्य है, कि हमारे शहर की कहानी हमने लिखनी होगी, हमारी सोच बदलनी होगी। आज ये न्यास का चंदा, क्रिकेट टूर्नामेंट का चंदा, फुटबॉल टूर्नामेंट में फॉर्म की फीस नेताजी ने आधा भर दिया, या भाई कोई बेवा है तो थोड़ी मदद कर दिया, ठीक है ये सामाजिक खिदमत मैं मान सकता हूँ, लेकिन इस बुनियाद पर हमारा नेता नहीं होना चाहिए। पैसे की बुनियाद पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ कि 500 रुपये लेकर 5 साल तक हम बेशर्मी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने नेता का गिरबान नहीं पकड़ रहे। मैं बोलता हूँ इस चुनाव में 500 रुपये देकर अपना नेता बनाए, जो वार्ड का समाज सेवक कहलाने के लायक हो, 5 साल जनता के बीच में हो। अगर गरीब है तो 500 रुपये दे उसको, उसकी मदद करो, उसको कॉरपोरेटर बनाओ, ताकि 5 साल आप उसका गिरबान पकड़ के काम करा सको। क्योंकि इंसान की फितरत है, जब किसी से ले लेता है ना तो दबता है, दबता है। आप दे दोगे ना तो आपकी बेबाकी जिंदा रहेगी बराबर। तो मैं शहर के नौजवानों से इस बार अपील करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है आप इस लायक हो कि 2-500 रुपया खर्चा करके ढाबे पे खाना खाते हो, तो उस ढाबे की बुनियाद पर, उस बिरयानी की बुनियाद पर, उस टूर्नामेंट के चंदे की बुनियाद पर कृपया इस बार वोट ना डालें और 500 रुपया 1000 रुपया खर्चा करके अपना नेता चुने, ताकि आपके मसाइल पर वो बात कर सके काम कर सके। तो दोस्तों ये थे शादाब उस्मानी साहब, जिन्होंने आज भिवंडी के डेवलपमेंट को लेकर, स्कूल को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर और इलेक्शन को लेकर अपनी राय का इजहार किया। अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। इनसे जब फिर कोई दोबारा मुलाकात होगी तो हम इनसे वो सवाल करेंगे। लोनी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।